पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की रैली अब चंपा देवी पार्क में आ रही है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय हमारे साथ बबिता शुक्ला है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहा है आज। बबिता जी गोरखपुर हिस्सेदारी देंगी टिकट में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, प्रियंका दीदी ने कहा है तो 100% उसको करेगी और हम लोग उनके हर शब्दों पर बहुत विश्वास करते हैं और सारी महिलाएं उनके साथ हैं। युवा कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है जी, इस समय जब से उन्होंने ये ऐलान किया कि 40% रिजर्वेशन है, हम लोग दिल से बहुत खुश हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा है और इस बात का हम लोगों को एक पक्ष जो उन्होंने जवाब दिया कि 40% में महिला भागीदार होगी, ये जाहिर सी बात है कि अगर नेतृत्वकर्ता महिला होगी तो समाज की स्थापना मूलभूत ढंग से की जाएगी। प्रियंका गांधी लगातार महिलाओं पर फोकस कर रही है उत्तर प्रदेश में, खासकर पूर्वांचल में, एक बड़ी घोषणा की 40% आबादी की, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव और अन्य विरोधी दल कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो कांग्रेस को महिलाओं की याद आता है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्रियंका दीदी एक ऐसी नेता है कि अगर लखीमपुर पर महिला को नंगा किया जाता है, वो समाजवादी पार्टी की महिला थी जिसको नंगा किया गया, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने कहा आवाज उठाई, बीजेपी ने हर महिलाओं को नंगा कर दिया है। इवन इस गोरखनाथ धरती पे सब लोग खड़े हुए हैं, सब ये है कि किस शहर की भी बेटी मारी जा चुकी है, क्या किया है सब बीजेपी ने? अगर एक पार्टी नेतृत्व करते आ रही है तो हमारी प्रियंका दीदी है, उनके साथ तन मन धन लगा के हम लोग उनका आगे पीछे चलेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद ये बड़ी रैली हो रही है कांग्रेस पार्टी की, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अरे भाई योगी बाबा से ये पूछो कि वो कब खड़ा हुआ था, वो जब खड़ा हुआ था अगर गोरखनाथ धाम मंदिर नहीं होता तो बाबा आज के डेट में सांसद भी नहीं होता। ये सच्चाई है तो चूड़ी पहन ले, बड़ी ईरानी की चूड़ियां बेचती फिरती थी। मैं तो कहूंगी बीजेपी को कि अब तुम सारे चूड़ी पहन लो और हम लोग यहाँ से जंग जीत कर जाएंगे, गोरखधाम धरती पर बचा के जाएंगे कांग्रेस हारी की। आप लोग महंगाई के मुद्दे पर नहीं सर, अगर वो चूड़ियां भेजती थी तो आप भी तो भेजने का काम कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चूड़ियां भेजने वाले हैं और बस्ती शहर से कम 2000 महिलाएं चूड़ियां भेजने जा रही है और मेरी सारी बहनें चूड़ियां भेजने वाली है। योगी को चूड़ियां भेज रहे हैं, 2000 लोग भेजेंगे और बिंदी भी साथ के भेजेंगे। कब ये कार्यक्रम होगा? किस मेरे ख्याल से ये 4 से 5 दिन के बाद इस कार्यक्रम के बाद करेंगे। ये बबिता शुक्ला जी थी जो कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है, चंपा देवी पार्क में महिलाओं के बड़े हुजूम के साथ यहाँ पे आई है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी महासचिव कांग्रेस पार्टी की रैली है, जबरदस्त भीड़ उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे।